हेलो, मैं फरीन वेलकम करती हूँ अपने चैनल जायकेदार में। आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज और बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन स्टू या चिकन दो प्याज़ा भी कह सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके 10 सेकंड लेना चाहूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो प्लीज़ follow us on all our social media handles. Thank you. ये सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी बढ़िया सी डिश हमारी तैयार होगी। 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, लौंग 4 से 5, 2 हरी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, आप सारे खड़े गर्म मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। और इनके क्रैकल होने पे हम इसमें ऐड करेंगे प्याज 1 किलो, जो ऐसी रफली चॉप कर ली है, और हमें इसे फ्राई करना है इसके थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक। प्याज हमारी अच्छी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक और 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर। ये जिंजर और गार्लिक हमें काट के ही डालना है, पेस्ट डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। और 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, कटी हुई लाल मिर्चें 5 से 6 मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्चें का भी यूज़ करेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके हम इसे गलने छोड़ देंगे फॉर 10 to 15 मिनट स्लो फ्लेम पे। फिफ्टीन मिनट्स हो चुके हैं, देखिए हमारी प्याज काफ़ी हद तक गल चुकी है, वाटर भी अनियंस ने रिलीज़ किया है खुद ही। और अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, जो क्या है 1/2 किलो। इधर मैं बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बोन वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को भी हमें गलाना है तो 10 मिनट्स फिर से हम इसे लो फ्लेम पे रखेंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी चिकन भी ऑलमोस्ट गल गई है। अब हम इसको भूनना स्टार्ट करते हैं। जो थोड़ा सा पानी दिख रहा है हमें इसे कम्प्लीटली ड्राई करना है, इसे अच्छे से भूनना है। अब इसमें ऐड करेंगे दही 4 से 5 टेबलस्पून, इसे अच्छे से फेंट के डालें, बिल्कुल भी लंप नहीं हो। और दही डालने के टाइम आप फ्लेम को लो कर दें ताकि दही फटे नहीं, और अच्छे से इसे मिक्स करते रहें। हमारी ग्रेवी अब फाइनल स्टेज पे आने लगी है। अब इसमें ऐड किए मैंने हरी मिर्चें दोनों टाइप की, लाइट और डार्क, इनका भी एक अच्छा फ्लेवर आता है। और मोटी वाली मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास थी तो मैंने डाल दी। और ऐड करेंगे हरा धनिया, बहुत ही अच्छी खुशबू देता है, इसे अच्छे से भून लेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। अब बिल्कुल हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे कर लेंगे सर्व। बहुत ही लजीज, बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी टेस्टी सी रेसिपी बनके तैयार हुई है। और खाने में थोड़ी सी स्पाइसी भी है, नॉट नेसेसरी, आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। और इसे आप एंजॉय करें तंदूरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, बहुत बढ़िया लगती है। तो इस बढ़िया सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय।